गाइस आज का जो हमारा व्लॉग है एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लाहौर की मरकजी ज़ियारत है अहले सफ़र की, शहादत मौला हसन अलैहिस्सलाम की। तो मैं उधर जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, सलाम करेंगे। बहुत ही ये कह लें कि मन तो मुरादों वाली ज़ियारत है, आजमाई हुई है, तो जो भी मांगा है वो मिलता है। तो मैं और आहद रेडी हो रहा है, मैं रेडी हूँ, सिर्फ आहद के रेडी होने का वेट हो रहा है। जैसे ही मैं भी रेडी हो रही हूं, आपने भी जाना है तो बेटा अभी आप रहने तो मैं वाली भाई शाम का। अब अभी छोटे हो ना, उधर गलियां तंग है, आप गुम हो जाओगे। नहीं होते गुम। अच्छा तो चलो गाइस कमेंट्स में बताइएगा कि अगले साल शुया को लेके जाए कि ना लेके जाए, क्योंकि वो अंदरून में ज्यारत रहती है, बाहर नहीं निकलती, गलियां बहुत तंग हैं, फैमिली को साथ लेके जाना जो है ना बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाती है। अभी मैं जा रहा हूँ, भाई फयाज है, आहद है और जो भी दो साथ रेडी हो गया वो जाएगा। हम मौला को ज्यारत को पुरसा करेंगे, पुरसा करके फिर वापस आ जाएंगे। तो ये ज्यारत एक तरह से खसूसी हैसियत इसलिए भी रखती है कि जो हमें तशरीफ पर इल्ज़ाम लगता है कि ये जो है ना सिर्फ मौला हुसैन बादशाह का जिक्र करते हैं, मौला हसन का नहीं करते, तो ये ज्यारत उनके लिए भी एक जवाब है कि जिस तरह अहले तशरीफ मौला हुसैन का गम मनाते हैं इसी तरह मौला हसन का भी मनाते हैं। तो वीडियो अंत तक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कह दो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ले जी हम रवाना हो गए चौंक से मरकजी ज़ियारत की तरफ। तो मौला हसन बादशाह की ये ज़ियारत है, 28 सफ़र योम शहादत है मौला का, और बड़ी ही मन्नतों मुरादों वाली ज़ियारत है, आजमाई हुई है। तो इसके रिलेटेड थोड़ा सा भाई फयाज जो है ना वो आपको बताएंगे कि ये ज़ियारत किस तरह मौला की शहादत हुई, किस तरह सारा कुछ हुआ। भाई फयाज थोड़ा या ज़रा दसना, आज 28 सफ़र है जी मौला हसन बादशाह की शहादत का दिन है, और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी शहादत का दिन है। मौला हसन बादशाह को उस वक़्त के जो हुक्मरान थे उनके थ्रू जहर दिया गया था, जो जहर उनकी बीवी ने दिया था, ठीक है। तो उसके बाद मौला का जनाजा जब मस्जिद नबवी में गया तो उधर से दोबारा मौला के जनाजे पर तीर बरसाए गए जो उस वक़्त के हुक्मरान थे उनकी तरफ से। मौला हसन बादशाह को नाना के हरम में तदफीन भी नहीं होने दिया, तो इसलिए भी ये बहुत ही मतलब के मजलूमियत के साथ जो है आज का दिन हम मनाते हैं। और आज जो मखसूस लाहौर की कदीमी जो ज़ियारत है मौला हसन बादशाह की, ये मुझी हम जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, उधर जाके फिर आपसे मज़ीद आपको दिखाते भी हैं। असल में जो अहले तशरीह का उसने लेट शुरू किया है, मातमदारी है, वो इसी सिलसिले जितने भी आले रसूल हैं इमामैन हैं उनको इसी तरह बेदर्दी से किसी को जहर दे दिया, किसी को तलवार के साथ, किसी को खंजर के साथ। और मौला हसन की मजलूमियत तो ये है कि इनका जो जनाजा घर से दो दफ़ा गया, एक दफ़ा तो जहर दिया और वो शहीद हुए गए कफन हो के, और उस जनाजे पे फिर तीर चलाए गए, और दोबारा मौला का जनाजा, आप अगर हिस्ट्री पढ़ें तो ये वाहिद जनाजा ऐसा है कि जो घर से दो दफ़ा रवाना हुआ, तीर बरसाए गए, तीर बरसाने के बाद वापस आया, वो फिर उसी तरह कफन दफन दोबारा हुआ, फिर जो है ना वो मौला की तदफीन की गई। तो ये जो मसाइब आले मोहम्मद हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, शिया कौम इन्हीं मसाइब की वजह से मीरिया और रजादारी करती है कि जिस रसूल ने हमें कलमा पढ़ाया, हमें मुसलमान किया, उसकी आल के साथ हमने क्या जुल्म किया। तो उसी सिलसिले में हम पुरसा देने जा रहे हैं। वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फयाज भाई किधर? तो हम दिल्ली गेट पहुँच गए हैं, इसके आगे जो है ना ज़्यारत है मरकजी, ज़्यारत करेंगे, कोशिश करेंगे, देखते हैं पहले किधर पहुँचे, उसके बाद फिर सलाम करेंगे। अभी ये नहीं पता कि ज़्यारत किधर है। तो ये दिल्ली गेट से हम जो है ना एंट्री लेंगे इधर से, हर साल इसके अंदर लोड होता था। हाँ पहले इसके अंदर लोड होता था। सान है
तुम भी ले लो, भारत उतनी ही होनी अगले पास। चलो देखने जिम्मे रश लग रहा वो ज्यारत कोल ही है भाई, प्याज ज्यारत अगे गई है। अंदर अंदर जिथे लगा ट्रक खड़ा उन्दे नाल वादू लंगर नहीं, असि ते अंदरों लिया आए हैं भाई।
ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੁਰਕੀ ਲਾ ਲਓ। ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁੱਛਾ ਮਾਰਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਬੁਰਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਦਾ ਲੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲੇਂਗੇ, वीडियो एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी नासिर भाई से मिलते हैं, उनसे मिलेंगे, वो भी आए हैं, हम उन्हें सलाम कर दिए, उन्होंने करना है उनसे मिलते थे। हम उसको सलाम करके वापस आ रहे थे, सामने ने कहा कि आप सलाम कर लें। सामने दरबार हमारी मरकजी ज्यारत जो थी 28 रजब की 28 सफ़र की वो भी हमारी होगी। वापसी पे बीबियाँ पाक सलाम भी कर लिया, हम घर जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं हमारा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाइएगा। नेक्स्ट मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।